नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को बताऊंगा कि आप सभी लोगों का जो अभ्युदय कोचिंग में है वो एडमिशन किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों, बहुत से बच्चों के मन में डाउट है कि हमारा सर यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है, लेकिन अभी तक हमारे पास जो कोई भी कॉल और मैसेज नहीं आया है। तो दोस्तों, उसी के बारे में एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आई है, वो आप सभी लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ से जो आप सभी लोगों के पास कॉल जाने की जो प्रक्रिया है वह स्टार्ट कर दी गई है। आपके जो कल्याण विभाग के ऑफिस हैं वहाँ से आप सभी लोगों को कॉल किए जा रहे हैं। वहाँ से आप सभी लोगों को प्रत्येक दिन यहाँ पे सभी बच्चों को यहाँ से जो लिस्ट उनके पास आ गई है, रैंक लिस्ट, जिसमें आप सभी लोगों का जो रैंक होता है, नेम होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है और आपके पूरे डिटेल होते हैं, उनके पास आ चुकी हैं। और वो एक एक बच्चे को यहाँ पर कॉल करके आप सभी लोगों को बता रहे हैं कि आपको एडमिशन प्रक्रिया किस प्रकार से लेना है। तो दोस्तों, मेरे ही दोस्त के पास कॉल आया था जो कि प्रतापगढ़ का निवासी है। उसके पास प्रतापगढ़ कल्याण विभाग की तरफ से कॉल आया था कि आप सभी लोगों को जो कक्षाएं हैं वह आपके डिस्ट्रिक्ट में ही चलने वाली हैं। आप सभी लोगों को जो आपका एडमिशन है उसको फार्म को भरने के लिए आप सभी लोगों को अपने जो ज़िले के कल्याण विभाग ऑफिस है दोस्तों, वहां पर जाना होगा। वहां पर जाने के बाद आप सभी लोगों को दोस्तों वहां पर एडमिशन का फॉर्म दिया जाएगा कल्याण विभाग ऑफिस की तरफ से। वहां से उस फार्म को लेकर आप सभी लोगों को दोस्तों, उस फार्म को भरने के बाद जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं आप सभी लोगों को मैंने वीडियो के माध्यम से अपने बता दिया है। फिर से एक बार मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों, आप सभी लोगों को अपना जो हाई स्कूल का मार्कशीट है, इंटर का मार्कशीट है और यदि ग्रेजुएशन फाइनल कर चुके हैं तो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का मार्कशीट, यदि आप अपेयरिंग के छात्र हैं तो आप फर्स्ट ईयर वाला भी मार्कशीट यहां पर लगा सकते हैं। ये सारी चीजें लगाने के बाद दोस्तों, आप सभी लोग को जो अपना आधार कार्ड है उसको लगा देना है। उसके बाद अपनी दो फोटो यहां पर आप सभी लोग को अपने साथ लेकर जाना है। उसके बाद दोस्तों, यहां से यदि आपके पास आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र है तो बहुत अच्छी बात है, उसकी भी फोटो कॉपी आप वहां पर लगा सकते हैं। आप सभी लोगों को दो दो प्रति सभी डॉक्यूमेंट की करवा कर अपने फॉर्म के साथ भर कर अपने जिले के कल्याण विभाग ऑफिस में आपको संपर्क कर लेना है। वहां पर जाकर इस फार्म को जमा कर देना है, जो कि आज से एडमिशन की प्रक्रिया दोस्तों चालू हो गई है। आप सभी लोगों को मैं जो अपने कल्याण विभाग के ऑफिस और कुछ आपके जिलों के जो संपर्क सूत्र हैं उनको भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देना चाहता हूं, जिससे आप सभी लोगों को आसानी हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को जो अपना संपर्क सूत्र है उसको प्राप्त करने के लिए जब भी आप अभ्युदय कोचिंग की वेबसाइट पर आएंगे दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोगों को नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोगों को इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन वाला यहाँ पर एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप सभी लोगों के सामने जो आपके जिला समाज कल्याण विभाग अधिकारी की सूचना यहां पर दे दी जाएगी। आप जिस भी ज़िले से हैं सारी चीज़ों को यहां से देख सकते हैं, जैसे कि यहां पर आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बदायूं, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बुंदेलशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, जीबी नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, ऐसे यहाँ से सारे ज़िले जो आपके पास हैं यहाँ पर दे दिए जाएंगे। यहाँ से आप सभी लोगों के जो कल्याण विभाग के अधिकारी हैं उनका नंबर और दोस्तों यहाँ से जो उनका ईमेल आईडी वगैरह है और इनका सारा संपर्क सूत्र आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ से आप सारे चीज़ों को यहाँ से नंबर को नोट कर लीजिए। उसके बाद यदि आपके पास कॉल नहीं आता तो दोस्तों, एक दो दिन या चार दिन आप यहाँ से वेट कर लीजिए, आप सभी लोगों के पास 100% कॉल आ जाएगा, क्योंकि जो कॉल की प्रक्रिया है आज से स्टार्ट हो चुकी है। सारे लोगों के पास यहां से कॉल किया जा रहा है और उन्हें एडमिशन करवाने के लिए यहां से कल्याण विभाग के ऑफिस में बुलाया जा रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो आप अपना एडमिशन है वह अभ्युदय कोचिंग में करवा सकते हैं। आप अपने ज़िले के समाज कल्याण विभाग ऑफिस में जाइए, वहाँ से विकास भवन में जाकर फॉर्म लीजिए। फॉर्म लेने के बाद सारी चीज़ों को जैसे मैंने डॉक्यूमेंट बताया है वहाँ से भर के उस फॉर्म को सबमिट कर दीजिए और जो आपकी कोचिंग है वह आपके डिवीज़न में, आपके शहर में ही इस बार कोचिंग चलने वाली है। तो आपको निराश नहीं होना है, जिस भी ज़िले से आपने फॉर्म भरा है उसी ज़िले में जो आपकी कोचिंग है वह चलने वाली है। आपको सारी डिटेल वहाँ पर जब अपने फॉर्म को भरने जाएंगे तो वहाँ से आप सभी लोगों को मिल जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है कि जो कॉल आने की प्रक्रिया है वह स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, दो तीन दिन और वेट कर लीजिए, सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी, जो जो बताया जाएगा आप उस तरीके से जाकर अपना एडमिशन अपने कल्याण विभाग ऑफिस में जाकर फॉर्म को जमा कर दीजिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आपके पास और भी कोई सुझाव है, यदि आपका कोई भी डाउट है जो क्लियर नहीं हो पाया तो इस वीडियो के नीचे एक कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई 100% आपको सोल्यूशन के साथ मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।